उपमंडल जोगिंदरनगर की नोहली और बीहू पंचायतों में कई गांव में गंभीर पेयजल संकट पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि जल शक्ति मंत्री और जोगिंदरनगर के विधायक कहते हैं कि पानी और सड़क के मामले में उन्होंने जोगिंदरनगर में काफी विकास किया है, लेकिन हकीकत में विकास धरातल पर नजर नहीं आता। जगह जगह पानी की पाइपों के ढेर नजर आते हैं जो पूरे हिमाचल में देखने को मिल जाते हैं। हरिजन बस्ती बनोग में एक साल पानी की पाइपें ही नहीं बिछी है। भंडारण टैंक बनाने की बातें हवा हवाई साबित हुई हैं। विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं और जब जागते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर की हर पंचायत में ऐसी समस्याएं हैं, कहीं बसों की कमी है तो कहीं पानी की, कहीं बिजली, सड़क और पुल का मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाओं की भी हालत खराब है। ये जी पानी बहुत दिन का मतलब पुराना पानी है, पर गंदा पानी रहा जी सारी उम्र, मतलब कभी भी नहीं आया ठीक पानी। फिर चले जी जान छोड़े मतलब टैंकर पानी, अब मतलब टैंकर में जमी है जी ना, पानी नहीं पाते फिर क्यों जी। मोटर पानी मतलब मोटर खराब हुई है, मोटर का पानी भी नहीं आया है, कने मोटर बार बार खराब हो चुकी जी। जोगिंदरनगर में जी पहुँचाते हैं सारे लोग, फिर जी हफ्ते के बाद आती है, फिर भी जल जाती है जी तार और मोटर, कने जी बोट में गड़गड़िए बार बार आते हैं। बोट आ जी सारी उम्र मतलब दी थी सरकार को, पर मतलब सरकार कोई पछाण नहीं करती है। पानी की बहुत समस्या है, गुणों के गुणों बहुत गरीब है, कने ये जी पानी की बड़ी मेहरबानी करनी है आप लोग ने, कि तो फिर ऐसे जी धरना दे देंगे, घर में बैठेंगे, कने पानी जी बड़ा जरूरी मतलब चाहिए था जी, कने भाई पानी बहुत समस्या है भाई, खाने का भी, पशुओं का भी, था अपना भी पूरा मतलब कपड़ा लत्ता पूरा नहीं धोया जाता जी, गंदे पानी लग रहे जी धोने। मैं सूबेदार प्रताप सिंह, गांव बनोग, और यहां के जो पब्लिक है बहुत ही गरीब है, और यहां पानी की समस्या इतनी है कि चाबड़ बने हुए सारे बाबोड़ियों की भी बुरी हालत है, ना कोई सरकार देख रही है, ना कोई पंचायत के कोई नहीं आता है जी। बाकी तीन चार बोड़ियाँ नहीं पानी में, तो पशु को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। यहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट की सुविधा होना चाहिए, और यहाँ ऐसी ज़्यादा हैं, और बाकी और क्या है, मोटर, हाँ अच्छा मोटर है हमारी, वो भी खराब रहती है, हैं पर जाके हम उससे भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं चलती है। आजकल गर्मियों में 3 महीने में हमारे को बहुत ही मुश्किल होती है, जो जीवन काटना मुश्किल हो गया पूरी जनता को। जो चापड़ देख रहे हैं आप, यहाँ देख लो हालत, पशुओं के पशु भी नहीं पीते यहाँ का पानी, बोड़ियों की देख लो हैं कैसे करते, कपड़े धोने तो रहे कहाँ, पीने के लिए समस्या है। कई दफ़ा SDO एक्शन आए पूरे पानी के विभाग के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ बोल के चले जाते हैं और वापस दोबारा नहीं आते। हमें ट्यूबवेल लगाएंगे हैं, बोरिंग करेंगे, पर नहीं। यहाँ आज हमारे जिला परिषद भारद्वाज कुशाल भारद्वाज आए हैं, हैं जी, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारे, और इन्हीं के पीछे हम सारे चल रहे हैं। बाकी सरकार से हम अगर नहीं करेगी तो हम धरने में बैठ जाएंगे, फिर मत इसको ये करना, क्योंकि हम काफ़ी बार जब भी MLA के वोट आते हैं तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता। आज 5 साल होने के लिए जा रहे हैं, अभी फिर आने वाले हैं अगले साल वोट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोगों को ठग करके भाग जाते हैं। ये हमारी पब्लिक सरकार से अनुरोध है कि वो जितना जल्दी हो सके कि हमारे को रोडों की हालत देखो आप, 24-25 साल हो गए हमारे मिनिस्टर भी रह गए PWD के, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, ऐसे ही पड़ा है, अभी भी ठेका हो चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 1 साल लास्ट साल है आज, अभी आप टारिंग करेंगे 3 महीने के बाद सारी उखड़ जाएगी। ठेकेदार ऐसे लाओ जो 5 साल गारंटी करो, उसकी सुविधा बनाए। पब्लिक क्या करे, पब्लिक भी जागी है, प्रधान भी जागे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है कोई भी मदद है। कच्चे जोड़ोड़े रोड पड़े हैं गांव के लिए, कोई बीमार हो जाए आदमी तो उसको ले जाने के लिए सुविधा हो गई है, लेकिन उसकी मरम्मत भी होती नहीं। इसलिए यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए और हमारे पानी की सुविधा और रोडों की सुविधा जल्द हमारी हल होना चाहिए।
हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी माने हैं, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।